नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अलग अलग पेशेंट्स हमारे पास में अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन लेके आते हैं, उसमें से मैं कुछ आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि कौन से पेशेंट किस तरह से आते रहते, उनको हमने क्या इलाज किया। 49 साल के व्यक्ति और इनकी तकलीफ ऐसी थी कि वे मेरे कंधे दुख रहे हैं। सब टेस्ट किया, रिपोर्ट्स पूरे नॉर्मल है और कुछ बीच बीच में जब दवा लेते हैं, डॉक्टर बदलते हैं तो 15 दिन एक महीना अच्छा लगता है, बाद में फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। चिड़चिड़ापन आता है, काम में मन नहीं लगता, पेट साफ नहीं होता और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। हाथ पैर में बहुत चींटियाँ रहती है और ऐसा लगता है कि कोई कीड़े घूम रहे हैं। चिंता बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि डिप्रेशन आ गया है और कुछ प्रमाण में उनके विचार बहुत ज़्यादा आते रहता है और वो निगेटिव आते रहते हैं। वो तंबाकू खाते हैं, हाथ पैर में चमक निकलती रहती है और कभी कभी सिर दर्द होता है तो कभी कभी उसके साथ में आँखें भी दर्द करती है। तो ऐसा ऐसे वेग सिम्टम्स है, मेनली जो है ये इरिटेबल बाउल के हैं और डिप्रेशन के हैं। उनको मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की दवाई दिया और वो अच्छे हो गए। ये एक 25 साल का यंग लड़का डॉक्टर है, MBBS है और कंप्लेंट ये कर रहा है कि मुझे ना किसी से साथ में नज़र से नज़र नहीं मिला सकता, मैं नज़र झुका के बोलता हूँ और इससे लेकर बहुत परेशान हूँ। आत्मविश्वास कम हो गया है, पॉर्न वीडियो का बहुत अट्रैक्शन है और एडिक्शन हो चुका है और उसके वजह से फिर कोई लड़की देखते हैं, कोई स्त्री देखते हैं तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी तरफ देखते रहता है। एक बार तो ऐसा एक कंटिन्यूस देखता रहा हो तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, मार खाने की भी नौबत आ गई थी। तो इस तरह का ये है और मेनली ये बोलता है कि मैंने उसको पूछा कि भाई मेन क्या प्रॉब्लम है, बोले मुझे पॉर्न वीडियो का एडिक्शन है और फिर उसको बहुत ही गिल्टी फीलिंग रहता उसकी वजह से। तो हमने उसके लिए हिप्नोथेरेपी सजेस्ट किया उसको, हिप्नोथेरेपी, फिर SSRI ड्रग्स, काउंसिलिंग का सेशन और उससे उसको बहुत फ़ायदा हो चुका। ये एक 20 साल का लड़का है, माँ बाप ने कंप्लेंट किया कि ये लड़कियों के कपड़े पहनता है, लड़कियों के तरफ आकर्षण उसका बिल्कुल नहीं है। लड़कियां जैसा तैयार होना, लिपस्टिक लगाना, फेशियल करना, मतलब उसके उनके जैसा तैयार करना, उस तैयार होना उसको अच्छा लगता है और लड़कों के साथ में बोलने के लिए उसको मज़ा आता है, लड़कियों के साथ में बात करने के लिए उसको डर लगता है या शर्म आती रहती है। तो उसको लड़की होना है और इसके लिए ऑपरेशन करने को तैयार है। उसका प्लान ये है कि ऑपरेशन करूँ और फिर कोई लड़के के साथ में मतलब मैरिज करके अपना फैमिली बसाऊँ। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तेरे को ऐसा लड़का मिल जाएगा क्या, तेरे को क्या लगता है? बोले मिल जाएगा, बोले ऐसा कोई लड़का होगा तो डेफिनेटली मिल जाएगा जो मुझे अपनाएगा। तो ये मेरे पास में आया था फिटनेस के लिए कि उनको मेंटल फिटनेस चाहिए। लड़की का लड़का करना है तो जो प्लास्टिक सर्जन है वो रहते फिटनेस साइकियाट्रिस्ट का और फिर हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम सर्टिफाई करते हैं कि इसको बाकी कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब फिजिकली मेंटली फिट है और तभी भी उसको लड़की होना है। सब हम जब सर्टिफिकेट देते हैं तो वो सर्टिफिकेट बाद में ही उसका फिर नंबर लगता है ऑपरेशन करने के लिए। थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।